आप देखो नींद क्यों आती है, कभी सोचा है? नींद इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों मतलब क्या होता है कि अंधेरे, आपको पता है अंधेरे रूम में ज्यादा आसानी से नींद आती है, रोशनी आंखों में जा नहीं रही होती है तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को नींद नहीं लेनी और अच्छे से पढ़ना है तो आप ऐसे रूम में बैठ के पढ़ाई करो जहां पर अच्छी खासी रोशनी है। तो सिंपल तरीका है, आपको भी पता है यार, आपकी मम्मी आपको जगाने के लिए क्या करती है, फटाफट से रूम की लाइट ऑन कर देगी, ठक 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 ठक, कभी किया होगा आप लोगों ने। दूसरा क्या है, अवॉइड हैवी मील्स बिफोर स्टडी। जब आप पढ़ाई कर रहे हो आप अपने मील को पहले तो मैनेज करो, आपको बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है, जरा समझिए। जब आपको ना आपको एनर्जी की जरूरत हो तो आप टुकड़ों में खाने को खाइए और बहुत सारा एक साथ मत खाइए। तो मैं आपको कहता हूँ देखो रात में हल्का खाना खाओ, दलिया खा सकते हो, थोड़े बहुत चावल खा सकते हो ताकि वो पेट साफ रहे, चावल आप अपने दही के साथ खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, तो जो नॉर्मल खिचड़ी खा सकते हो। लेकिन कई लोगों को ऐसा खाना पसंद नहीं है, लोगों को पराठे वराठे खूब सारे पराठे उड़ेल देंगे फिर कहीं हम लोग नींद की तैयारी कर रहे हैं। तो टॉपर बच्चे को देखोगे ना तो वो रात में बड़ा हल्का खाना खाता है ताकि उसे लंबे समय तक वो रात में एक लॉन्ग टाइम पे स्टडी कर सके। अगर आप लोग पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई देखो कभी अपने ना गद्दों में नहीं होती है, अपने बेड पर नहीं होती है पढ़ाई, उसके लिए आपका एक कॉर्नर होना चाहिए जिस पे टेबल होनी चाहिए जो आप बैठ के आराम से पढ़ाई करते हो। कई लोग बेड पे आराम से उसमें पढ़ाई नहीं होती है, सोफे पे लेटे पड़े हैं, बेड पे लेटे पड़े हैं, नहीं पढ़ाई होती है यार, नहीं पढ़ाई होती है। जब स्टडी वाकई में जो आपका स्टडी यू नो स्पेस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा यू नो सूदिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, समझ में आ गया। तो इन दैट केस अच्छा सा टेबल हो, एक अच्छी सी चेयर हो जिसमें ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े, नींद से बड़े टारगेट आप अपने सामने रख देते हो तो नींद आती है। हालांकि सोना इंपॉर्टेंट होता है लेकिन 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे अच्छी सी नींद ले लो, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको लगता है कि जो आपने सपने देखे हैं वाकई में वो आपकी नींद से भी ज्यादा बड़े हैं तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होती है, जिद। इंसान की जिद सबसे बड़ी होती है, इंसान का जज्बा सबसे बड़ा होता है। याद रखना तुम लोग सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। आ गया सबको समझ में?